कल आपने कबीर और धर्मदास के संदर्भ में लाल रंग की महिमा बताई, लेकिन मोहम्मद को हरा रंग पसंद आया और नानक को नीला, यद्यपि वे दोनों भक्त ही थे। कृपा कर समझाएं। एक एक व्यक्ति अनूठा है, उसकी अपनी पसंद है, अपनी रुझान है, उसका जीवन को देखने का अपना झरोखा है। ये सारा जगत परमात्मा से भरा, ये सब रंग उसके, परमात्मा सब रंग है, लेकिन प्रत्येक की अपनी सूझ है, अपने प्रतीक खोजने पड़ते हैं। कबीर और धर्मदास ने लाल की बड़ी प्रशंसा की, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मैंने कल तुम्हें लाल रंग का अर्थ कहा कि लाल है जीवन का प्रतीक, कि लाल है उत्सव का प्रतीक, कि लाल है फूलों और वसंत का रंग। इसलिए गैरिक रंग का एक नाम वासंती रंग भी है। लाल है जीवन के खिलाव का प्रतीक, सूरज का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक, अग्नि का प्रतीक। ये सब मैंने तुमसे कल कहा। स्वभावतः ये प्रश्न मन में उठा होगा, फिर मोहम्मद ने लाल क्यों ना चुना? हरा कुछ कम नहीं, हरे के अपने अर्थ हैं। समझने की कोशिश करो, हरा भी जीवन का प्रतीक है। जब तक जीवित होता वृक्ष हरा होता, जब मर जाता तब हरा नहीं रह जाता। वो जो हरी धार वृक्ष में बहती है वह जीवन की धार है। लेकिन फिर भी दोनों प्रतीकों में भेद है। फूल तो अंत में आता है, हरा रंग पहले आता है, लाल रंग बाद में आता है। लाल रंग निष्पत्ति है, लाल रंग मंजिल है, हरा रंग यात्रा है। और मोहम्मद का जोर यात्रा पर ज्यादा है, और एक अर्थ में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यात्रा ठीक है तो लाल रंग तो आ ही जाएगा। अगर वृक्ष ठीक ठीक हरा है और उसमें रसधार बहती है तो फूल तो आएंगे ही आएंगे, उनकी तुम चिंता ना करो, उनके लिए तुम्हें विचार करने की जरूरत नहीं। साधन सम्यक है तो साध्य तो आएगा ही, असली विचार साधन का है। अगर साधन सम्यक नहीं है तो तुम लाख फूलों का विचार करते रहो, फूल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। माली फूलों का हिसाब थोड़ी करता है, वृक्ष के हरेपन को ध्यान में रखता है, देता पानी, देता खाद। वृक्ष जीवंत रहे तो जीवन की अंतिम ऊंचाई पर वे शिखर फूल के अपने आप प्रकट होते। वृक्ष में से फूल खींच खींच के थोड़ी निकालने होते, वे तो अपने से आते हैं, वे सहज अभिव्यक्तियां हैं। अगर कोई भी चीज ठीक रास्ते पे चलती रहे तो मंजिल मिल ही जाती। इसलिए मंजिल विचारणी नहीं है, तीर्थ विचारणी नहीं है, तीर्थ यात्रा विचारणी है। लाल रंग है साध्य, हरा है साधन। मोहम्मद ने हरे को चुना क्योंकि वो साधन है, और सारे धर्म साधन ही है। साध तो भीतर घटने वाली अनुभूति है, वो सहस्त्र दल कमल भीतर खिलेगा, वो फूल कभी खिलेगा, वो लाल सुर्खी कभी भीतर फैलेगी, लेकिन उसकी कल्पना में पड़ने से कुछ सार नहीं। तुम वृक्ष को हरा करो, इसी को दूसरे अर्थों में तुम समझो। मोहम्मद ने पूर्णिमा का चांद नहीं चुना, दूज का चांद चुना प्रतीक की तरह। क्यों? क्योंकि दूज का चांद यात्रा पर है, पथिक है, चल पड़ा है, पहुंच ही जाएगा, पूर्णिमा तो होनी ही वाली। बौद्धों ने पूर्णिमा को चुना है, मोहम्मद ने दूज के चांद को। एक ऐतिहासिक घटना है कि ईरान के बादशाह ने अपने एक वजीर को भारत भेजा मुगल बादशाह से मिलने। जैसा दरबारों में होता है, उस वजीर के कई विरोधी भी थे, कई प्रतियोगी भी थे, कई दुश्मन भी थे, कई उसकी जड़ें काटने को तत्पर भी थे। वो कोशिश में लगे थे कि कुछ ना कुछ भूल चूक मिल जाए। जब वजीर हिंदुस्तान आया और उसने हिंदुस्तान के बादशाह को संबोधन किया दरबार में, तो उसने कहा कि आप पूर्णिमा के चांद,
ईरान के बादशाह दूज के चांद है। विरोधियों को खबर लगी, उन्होंने जाके ईरान के बादशाह के कान भरे कि तो हद हो गया, ये तो अपमान हो गया, अपने आदमी और हिंदुस्तान के बादशाह को पूर्णिमा का चांद कहे और आपको दूज का चांद बतला है, ये तो बात बुरी हो गई। बादशाह भी नाराज था। जब ये वजीर वापस लौटा, इसको नगर के द्वार पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, हाथ में जंजीरें डाल दी गई, इसे दरबार में बुलाया गया और कहा कि तुम इसका उत्तर दो अन्यथा फांसी की सजा। ये हंसा, ये आदमी बड़ा बुद्धिमान रहा होगा, इसने कहा निश्चित, मैंने भारत के बादशाह को कहा कि आप पूर्णिमा के चांद और आपको मैंने दूज का चांद कहा, क्योंकि पूर्णिमा के चांद के आगे अब कुछ नहीं है मौत के सिवाय। पूर्णिमा का चांद तो पहुंच गया आखिरी जगह, जहां पूर्ण हुआ वहां मौत हुई। आप विकासमान है, अभी आपको बहुत कुछ होना है, आप उगते सूरज है, वो डूबता सूरज है, आप इससे परेशान क्यों हो गए? दूज का चांद विकासमान है। वैसे ही हरा रंग विकासमान है, लाल रंग पूर्ण होती, हरा रंग विकास। इसलिए मोहम्मद ने जीवन के लिए हरा रंग चुना, वह संभावना का प्रतीक है, यात्रा का, साधन का, मार्ग का। मोहम्मद का जोर विकास पर है, क्रांति पर नहीं, एवोल्यूशन पर, रेवोल्यूशन पर नहीं। मोहम्मद मानते हैं कि सब चीजें अपने समय में विकसित होती हैं, क्रांति की कोई जरूरत नहीं। क्रांति झपट्टा है, जल्दबाजी है, विकास धैर्य है, धीरज है। तब तुम समझोगे कि हरा रंग विकास का प्रतीक है, लाल रंग क्रांति का, हरा रंग शांति का प्रतीक है। तुमने हरे रंग को देखा गौर से, इसलिए तो जंगल में जाके शांति मालूम पड़ती, हरे पहाड़ पर बैठकर चित्त शांत हो जाता है। हरे रंग को देखते देखते तुम्हारी आंखें भी हरी हो जाती, शांत हो जाती। हरे रंग का जो परिणाम है वो शांति है। इस्लाम शब्द का ही अर्थ होता है शांति। शांति पर बड़ा जोर है, वही ध्यान की भंगिमा है। मोहम्मद को तलवार उठानी पड़ी, लेकिन बड़ी व्यवस्था से, उठाना नहीं चाहते थे, बड़ी मजबूरी में विरोधियों ने उठवा दी, कोई और उपाय न था इसलिए उठानी पड़ी। लेकिन तलवार पर भी जो संदेश लिखा था वो यही था, मेरा संदेश शांति है, तलवार पर खोद रखा था। यह अजीब तलवार हुई क्योंकि तलवार पर शांति का संदेश खोदा हुआ है। ये इस बात की खबर है कि मोहम्मद का बस चलता है तो तलवार उठाते नहीं, किसी को कंकड़ भी ना मारते। लेकिन मजबूरी थी, चारों तरफ बड़ा जंगली वातावरण था, मोहम्मद को काम करने की सुविधा ही ना थी, तो शांति के लिए लड़ना पड़ा। विरोधाभासी लगती है बात, और उसी में इस्लाम भ्रष्ट भी हुआ। मोहम्मद तो मजबूरी में लड़े, लेकिन उनके पीछे आने वालों ने लड़ने में मजा लेना शुरू कर दिया। वो मजबूरी तो भूल गए मोहम्मद की, वो तलवार पर लिखा संदेश तो कभी का धूमिल होकर मिट गया, तलवार हाथ में रह गई। तलवार खतरनाक चीज है, ठीक हाथ में हो तो काम की होती, गलत हाथ में हो तो बड़ी महंगी पड़ जाती। छोटे बच्चे के हाथ में जैसे तलवार दे दो, वैसी खतरनाक चीज है। और दुनिया में गलत आदमी है, गलत आदमियों की भीड़ है, इनके हाथ में तो फूल तक खतरनाक हो जाता, तलवार की तो कहना ही क्या। इनके हाथ में तो फूल भी हो तो उसका उपयोग भी पत्थर की तरह करेंगे किसी का सिर तोड़ देने के लिए। इनके हाथ में तलवार हो तब तो कहना ही क्या, इनको बड़ी सुविधा हो गई।
तो इस्लाम शांति का धर्म अशांति का कारण बन गया। मगर मोहम्मद का चुनाव तो उचित ही था, उस चुनाव में कोई भूल चूक नहीं खोजी जा सकती। हरे रंग को उन्होंने शांति के रंग की तरह चुना। अगर हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो हम हिंदू को समझाते हैं कि तुम अच्छे हिंदू बनो, मुसलमान को समझाते हैं कि तुम अच्छे मुसलमान बनो। मुसलमान धर्म भी बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म भी बहुत अच्छा है, दोनों धर्म एक से हैं। तुम अच्छे मुसलमान बनो, तुम अच्छे हिंदू बनो, तुम मस्जिद ठीक से जाओ, तुम मंदिर ठीक से जाओ। मैं कभी सोचता हूं कि जब कच्चे मुसलमान और कच्चे हिंदू इतने खतरनाक होते हैं तो सच्चे हिंदू और मुसलमान कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन हमारा ख्याल ये कि अगर हिंदू अच्छे हिंदू हो जाए और मुसलमान अच्छे मुसलमान हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, भ्रांति। हमारा पुराना रटा रटाया उत्तर है वो हम दिए चले जा रहे हैं, वो हम कहे ही चले जा रहे हैं। हम यही समझाए चले जा रहे हैं कि अच्छे हिंदू बनो, अच्छे मुसलमान बनो। धर्म तो किसी को लड़ना नहीं सिखाता और सब धर्मों ने लड़ना सिखाया है। असल में जो भी आदमी आदमी के बीच फासले पैदा करता है वो लड़ना सिखाएगा ही। जो भी आदमी आदमी के बीच खंड करता है वो लड़ना सिखाएगा ही। राजचंद्र को गांधी जी ने कुछ पत्र लिखे थे और गांधी जी ने एक प्रश्न उनसे पूछा है कि आप जैन धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं? राजचंद्र जैसे बुद्धिमान विचारशील साधु पुरुष ने भी यही उत्तर दिया है कि जैन धर्म ही श्रेष्ठ है, इसलिए मैं श्रेष्ठ मानता हूं। गांधी जी भी हिंदू धर्म को श्रेष्ठ धर्म मानते थे और गांधी जी भी अपने को जीवन भर हिंदू कहते रहे कि मैं हिंदू। अभी मैंने सुना है कि जयप्रकाश ने यहां अहमदाबाद में कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू होने का मुझे गौरव। खतरनाक लोग हैं, क्योंकि जो ये कहता है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, जो ये कहता है कि जैन धर्म श्रेष्ठ है, जो ये कहता है कि मैं हिंदू होने की वजह से गौरवान्वित हूं, ये उपद्रव के बीच बो रहा है, चाहे इसे पता हो और चाहे पता ना हो। क्योंकि जो ये कह रहा है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है वो हिंदू के अहंकार को फुसला रहा है, वो हिंदू के अहंकार को रस दे रहा है और हिंदू के अहंकार को कह रहा है कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं। और जो ये कह रहा है कि इस्लाम श्रेष्ठ है वो इस्लाम के अहंकार को फुसला रहा है, और जो जैन धर्म को श्रेष्ठ कह रहा है वो भी फुसला रहा है। और जो कह रहा है कि मैं गौरवान्वित हूं हिंदू होकर, मुझे गौरव है कि मैं हिंदू, वो दूसरे लोगों को भी हिंदू होने के अभिमान से भर रहा है। और जहां हिंदू का अहंकार है, जहां मुसलमान का अहंकार है, वहां शांति नहीं हो सकती, वहां कोई शांति संभव नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो आमतौर से हम ये समझ के कि गुंडे दंगे कर रहे हैं, गुंडों को गालियां दे लेते हैं और घरों में बैठ जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं बहुत समय हो गया, गुंडों को अब ज्यादा गालियां मत दे। अब पकड़ना हो तो महात्माओं को पकड़ें, गुंडों को पकड़ने से कुछ भी नहीं हो सकता। गुंडे समस्या नहीं, महात्मा समस्या। लेकिन महात्मा अमन कमेटी बनाते हैं, शांति की व्यवस्था करते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को समझाते हैं लड़ो मत। तो महात्मा ऐसा समझ में आता है वो तो बेचारा समझा रहा है लड़ो मत, लड़ता तो गुंडा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत पुरानी हो गई ये बात सही नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि महात्माओं की कोई कमी नहीं, शायद गुंडों से ज्यादा ही होंगे, लेकिन कोई कमी नहीं होती युद्ध संघर्ष में, वैमनस में, ईर्षा में, घृणा में, नहीं कहीं कुछ भूल हो रही। गुंडे को हम व्यर्थ ही पकड़ रहे हैं, वो महात्मा की तरकीब है, वो हमेशा गुंडे की तरफ इशारा कर देता है कि गुंडों ने गड़बड़ की। लेकिन महात्मा पकड़ में नहीं आता, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महात्मा जड़ में है, क्योंकि महात्मा कह रहा है मैं हिंदू होकर गौरवान्वित हूं, वो हिंदू के अहंकार को मजबूत कर रहा है। वो महात्मा कह रहा है कि मैं हिंदू हूं, वो महात्मा कह रहा है मैं मुसलमान हूं, तब फिर उपद्रव जारी। खान अब्दुल गफ्फार खान यहां आए, सारे मुल्क में गए, लेकिन वे पक्के मुसलमान। और मैं कहना चाहता हूं पक्का मुसलमान होना खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि आदमी को आदमी होने दो, मुसलमान और हिंदू मत बनाओ। कृपा करो अब आदमी आदमी ही हो जाए तो ही दंगे बंद हो सकते, अन्यथा दंगे बंद नहीं हो सकते। आदमी पर लगाया गया कोई भी लेबल दंगे में सहयोगी बनता है, लेबल लड़वाते हैं।
लेकिन एक पक्का मुसलमान है, एक पक्का हिंदू है, और हम पक्के हिंदू और मुसलमान कभी मिल नहीं पाते। वो जो मुसलमान होना है वो हिंदू होने से कैसे मिल सकता है? वो जो जैन होना है वो मुसलमान होने से कैसे मेल खाएगा? हमारे बीच अदृश्य दीवारें खड़ी हो जाती। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एक है, अब इस नासमझी में पढ़ने की जरूरत नहीं। 50 साल हमने काफी भुगतान किया उस नासमझी का। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, इसको भी दोहराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई भाइयों के कारण हमने बहुत नुकसान सह लिया। बल्कि सच तो ये है कि जितना हमने जोर दिया कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उसी जोर ने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवाने का आधार रखा। क्योंकि दो भाई जब पक्के भाई हों और लड़े, और लड़ने के बाद कोई उपाय ना हो, तो बंटवारे के सिवाय कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं रह जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिन्होंने समझाया हिंदुस्तान को कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, उन्होंने बंटवारे की नींव रख दी। क्योंकि अगर भाई आखिर में न मिल सके तो फिर उपाय एक ही है कि बांट लो। कभी कोई देश बटा नहीं था इस तरह, क्योंकि कभी किसी देश में भाई भाई होने की 50 साल तक नासमझी नहीं दोहराई गई। हिंदू मुसलमान का भाई भाई होना हिंदुस्तान पाकिस्तान का आधार बना। क्योंकि जब भाई आखिर में लड़ते हैं, और ध्यान रहे भाइयों से ज्यादा खतरनाक ढंग से कोई भी नहीं लड़ सकता। जब दो भाई लड़ते हैं तो बहुत खतरनाक ढंग से लड़ते हैं, भाइयों से खतरनाक कोई भी नहीं लड़ सकता। इसलिए हिंदू मुसलमान को भाई भाई बनाने में खतरा है कि वो खतरनाक ढंग से लड़ भी सकते हैं, और जब दो भाई लड़ते हैं तो आखिर में बंटवारा हो जाता। और क्या उपाय? हिंदुस्तान बटा, जिन्होंने भाई भाई कह के समझाया उन्होंने देश को बंटवाया। अब आगे ये कहने की जरूरत नहीं। असल में ये जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है? ये जरूरत इसलिए पड़ती है कि पहले हम स्वीकार कर लेते हैं कि एक हिंदू है और एक मुसलमान। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये उपद्रव बंद ना होंगे, ये सांप्रदायिक जहर समाप्त ना होगा। इस देश के सामने बड़े से बड़ा जीता सवाल सांप्रदायिक जहर का है, सांप्रदायिकता का है। ये समाप्त ना होगा। ये समाप्त एक ही तरह से होगा कि हम लेबल अलग कर दें, और जो लोग बुद्धिमान हैं वो कह दें कि हम सिर्फ आदमी हैं, अब हमें हिंदू और मुसलमान होने से कोई वास्ता ना रहा। अभी आपने यहां सब कुछ देखा, लेकिन कितनों के मन में ये ख्याल आया कि अब हम हिंदू और मुसलमान होना बंद कर दें? नहीं, किसी को ख्याल नहीं आया। वो ख्याल नहीं आता हमें यही ख्याल आता है कि गलत हिंदू ये काम कर रहे हैं, गलत मुसलमान ये काम कर रहे हैं। हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि मुसलमान होना हिंदू होने के भीतर ये बीच छुपे हैं कि ये आता रहेगा। अगर आपको पता ना हो कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो आप किससे लड़ने जा सकते हैं? मैं भी एक ट्रेन में सवार हुआ, कुछ मित्र छोड़ने आए थे, उसी बगल के मेरे कंपार्टमेंट में एक सज्जन थे, उन्होंने सोचा कोई महात्मा होंगे। जैसे मैं डब्बे के भीतर गया, उन्होंने पैर पड़े और कहा, महात्मा जी आपसे सत्संग करना चाहता हूं। मैंने कहा, पहली तो बात ये, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, महात्माओं ने इतना नुकसान पहुंचाया, आप कोई भला आदमी महात्मा नहीं हो सकता है। तो आपने गलती से पैर पड़ लिए, अगर किसी तरकीब से वापस ले सकते हो तो वापस ले लें। उन्होंने कहा, क्या आप महात्मा नहीं है? कम से कम आप हिंदू तो हैं। मैंने कहा कि हिंदू भी मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ आदमी। उनका क्या मतलब आपका, आप हिंदू नहीं है? वो इतनी बेचैन हो गए, क्योंकि पता नहीं किसके पैर छू लिए, मुसलमान हो, ईसाई हो, पता नहीं कौन हो। अब लेकिन पैर छू लिए तो वापस लौटाने का उपाय नहीं, अब क्या करेंगे? मैंने कहा, कोई तरह वापस ले सकते हो तो ले ले, हाथ धो सकते हो तो धो ले, साबुन मैं भी ये देता हूं। उनका नहीं, नहीं ये बात नहीं, लेकिन आप कौन, मुसलमान हो, ईसाई है, कौन है? मैंने कहा, अगर मैं कोई ना हूं तो क्या मुझे होने का हक नहीं? नहीं, उनका हक की कोई बात नहीं। मैंने कहा, बैठिए, आप कहते थे सत्संग करेंगे, सत्संग हो। उन्होंने कहा, नहीं मैं सुबह मिलूंगा। मैंने कहा, आप बैठे, पर वो इतने बेचैन हो गए हैं क्योंकि उस आदमी के साथ कैसे बैठे जो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। हम उस आदमी से संबंध कैसे जोड़े, दोस्ती कैसे बनाए, दुश्मनी कैसे बनाए? अगर मैं हिंदू होता तो दोस्ती बन जाती, अगर मैं मुसलमान होता तो दुश्मनी बन जाती, लेकिन अगर मैं निपट आदमी हूं तो संबंध कैसे बनाए? दो आदमी के बीच संबंध नहीं हो सकता। नहीं, हिंदू हिंदू के बीच संबंध हो सकता है, मुसलमान मुसलमान के बीच हो सकता है, और ये भी वही जहां के हिंदू मुसलमान। जब यहां अहमदाबाद में दंगा चलता था तो मैं कश्मीर में था, पहलगांव में था। पहलगांव तो मुसलमानों की बस्ती, हिंदू तो एक आध दो घर होंगे। जो आदमी मेरा खाना बनाता था
उससे मैंने पूछा कि तू मुसलमान है ना, उसने कहा मैं मुसलमान नहीं, वो जो आपके कपड़े धोता है वो मुसलमान है, मैं तो सुन्नी हूँ। मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम, तू सुन्नी है मुसलमान है? उसने कहा कि नहीं, सिया मुसलमान होते हैं, हम सुन्नी। उस गांव में सिया और सुन्नियों में झगड़ा है, तो दोनों एक ही लेबल लगाने को तैयार नहीं, झगड़ा है सिया सुन्नी में, तो दोनों कैसे मुसलमान हो सकते? सुन्नी सुन्नी है, सिया सिया, दोनों के बीच झगड़ा है, तनाव है। सिया सुन्नी के बीच झगड़ा है, श्वेतांबर दिगंबर के बीच झगड़ा है, ब्राह्मण शूद्र के बीच झगड़ा है, फिर ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच भी फिरके हैं और उनके बीच झगड़ा है। क्या हम लेबलों से कभी मुक्त ना हो सकेंगे? आदमी कभी आदमी ना हो सकेगा? समस्या यह है कि आदमी आदमी होकर ही ठीक हो सकता है, और हम जो समाधान खोजते हैं वो कुछ ऐसे खोजते हैं कि उनसे आदमी कभी आदमी नहीं हो पाता। वो हिंदू हो जाता, मुसलमान हो जाता, ईसाई हो जाता, और झगड़े के बीज आरोपित कर दिए जाते। इस देश को अगर भविष्य की तरफ उन्मुख होना हो तो अतीत से दी गई इन बीमारियों से छुटकारा पाना होगा। आदमी होगा भविष्य में ये निर्णय लेना होगा। और जो बाप अपने बेटे को हिंदू बना रहा है वो दुश्मन है अपने बेटे का, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी की छाती में छुरा भोंकने के लिए तैयार करवा रहा है। और जो बाप अपने बेटे को मुसलमान बना रहा है वो भी खतरनाक बाप है, वो या तो अपने बेटे की छाती में छुरा भुकवाएगा या अपने बेटे से किसी की छाती में छुरा भुकवाएगा। लेकिन अब अगर बाप थोड़े समझदार हो तो अपने बेटे को सिर्फ आदमी बनाना चाहिए। 50 साल बाद इस देश में आदमी हो, हिंदू मुसलमान खोजे से न मिले, ये निर्णय हमें लेना पड़ेगा, अन्यथा हम सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं हो सकते। न खान अब्दुल गफ्फार खान मुक्त कर सकते हैं, न महात्मा गांधी मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि बुनियादी जड़ की बीमारी को वे स्वीकार करते हैं। एक हिंदू है, एक पक्का हिंदू, एक पक्के मुसलमान, वे बुनियादी जड़ को इंकार नहीं करते। वे ये नहीं कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर हिंदू और मुसलमान बेहूदगियां हैं, एब्सर्डिटीज है। भगवान का कोई मंदिर हो सकता है कि कोई मस्जिद हो सकती? भगवान अगर है तो इस पूरे जगत में, और हर जगह मंदिर है और हर जगह मस्जिद है। और जिसे प्रार्थना करना आता है वो किसी वृक्ष के नीचे और किसी नदी के तट पर अपने घर की छत पर भी मंदिर बना ले सकता है। कहीं अलग मंदिरों की अब जरूरत नहीं, अलग मंदिर। أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। قل هو الله أحد। ऐ रसूल, आप इन लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह एक है। الله الصمد। अल्लाह ऐसा बेनियाज है कि वो किसी का मोहताज नहीं और इसके सब मोहताज है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसकी औलाद नहीं और न वो किसी की औलाद है और न कोई इसके बराबर का है। आप सब लोगों को दिल से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाकर नेकी कमाना चाहते हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए। पहला प्रश्न, भगवान कुरान की जो प्रार्थना है उसके 3 हिस्से हैं, पनाह, अल फातिहा और सूरत इखलास मैत्री। सूरत इखलास इस प्रकार है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद,
अल्लाहुस्समत लम यलित बलम युलत वलम युकल्लहु कुफ्वन अहद। अर्थ ऐसा है, पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की भी गरज नहीं, न उसका कोई बेटा है और न वह किसी से पैदा हुआ है और न कोई उसकी बराबरी का है। भगवान इसे हमारे लिए बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करे। आनंद मैत्रेय, कुरान अत्यंत सीधे साधे हृदय का वक्तव्य है। उपनिषद, धम्मपद, गीता, ताओ ते किंग, इन सब में एक परिष्कार है, क्योंकि बुद्ध परम सुशिक्षित सुसंस्कृत राजघर से आए थे। मोहम्मद बेपढ़े लिखे थे। कृष्ण जब कुछ कहते हैं तो उस कहने में तर्क होता है, विचार की प्रक्रिया होती है, एक गणित होता है। मोहम्मद के वक्तव्य अत्यंत सरल हैं, जैसे खदान से निकाला गया ताजा ताजा हीरा, अभी उस पर जौहरी की छेनी नहीं चली, अभी उस पर पॉलिश नहीं किया गया, अभी उस पर पहलू नहीं निखारे गए। इससे एक तो लाभ है और एक हानि भी, और इस्लाम को दोनों ही बातें अनुभव करनी पड़ी। लाभ तो यह है कि जैसे ग्रामीण व्यक्ति की भाषा में एक बल होता, ताजगी होती, धार होती, क्योंकि बात सीधी साफ होती है, समझाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए कुरान पर टीकाएं नहीं लिखी गई, बात सीधी साफ है, टीका करने का कोई उपाय नहीं। गीता पर हजारों टीकाएं, तो हजारों अर्थ हो गए, क्योंकि बात दुरू है। अभिव्यक्ति का ढंग ऐसा है कि उससे बहुत अर्थ अभिव्यंजित हो सकते हैं, एक एक शब्द से अनेक अनेक अर्थों की संभावना है, तो बाल की खाल खींची जा सकती है। तर्कशास्त्री के हाथ में पढ़ के गीता का सत्य खो जाएगा, बुद्ध का सत्य खो जाएगा, कुरान का सत्य नहीं खोएगा, क्योंकि कुरान के साथ तर्क का कोई संबंध नहीं बैठता। कुरान को जिन्हें समझना है उन्हें तर्क से नहीं, अत्यंत सरलता से कुरान के पास पहुंचना होगा।
यह तो लाभ है लेकिन हानि भी है। हानि यह है कि चूंकि वक्तव्य बहुत सीधे साधे हैं उनमें गहराई दिखाई ना पड़ेगी, उनमें ऊंचाई दिखाई ना पड़ेगी, उनमें बहुत आयाम दिखाई ना पड़ेंगे, साधारण मालूम होंगे। इसलिए उपनिषद की तुलना में कुरान के वचन साधारण मालूम होंगे। कहां उपनिषद, उपनिषद के ऋषि की प्रार्थना अस्तो मा सद्गमे, असत से मुझे सत की ओर ले चल हे प्रभु, तमसो मा ज्योतिर्गमे, अंधकार से उठा मुझे प्रकाश के लोक में, मृत्योर्मा अमृतम गमे, और कब तक मृत्यु में जीऊं, अमृत के द्वार खोल, हटा दे ये स्वर्ण के पात्र से सारे ढक्कन, उठा दे घूंघट कि मैं देख लूं अमृत को, इसमें गहराई खोजी जा सकती है, बहुत गहराई खोजी जा सकती है। कुरान में भी गहराई इतनी ही है, जरा भी कम नहीं, मगर वक्तव्य मोहम्मद के सीधे साधे हैं। मोहम्मद गैर पढ़े लिखे आदमी हैं, न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे, इसलिए जब कुरान की आयतें पहली बार उन पर उतरनी शुरू हुई तो वे बहुत घबरा गए। भीतर कोई हृदय में जोर से कहने लगा, लिख, और मोहम्मद ने कहा कि मैं लिखना जानता नहीं, लिखूं कैसे। गा, भीतर से कोई आवाज आने लगी और मोहम्मद ने कहा मैं क्या गाऊंगा, न मेरे पास कंठ है, न गीत की कोई कला है, मैं बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी हूं, क्या गाऊं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे गाऊं। वो इतने घबरा गए कि घर भागे आ गए, पहाड़ पर बैठे थे मौन में। मौन में ही यह परम घटना घटती है कि सत्य अवतरित होता है, और जब सत्य अवतरित होता है तो सत्य अभिव्यक्त होना चाहता है। जैसे फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी, और दिया जलेगा तो प्रकाश झरेगा, और सूरज निकलेगा तो वृक्ष जागेंगे, पक्षी गीत गाएंगे। बस वैसे ही जब सत्य का सूर्य भीतर उगता है तो तुम उसे छिपा ना सकोगे, उसकी अभिव्यक्ति होगी, वह पुकारेगा अभिव्यक्त करो। वही पुकार थी मोहम्मद के भीतर, कहो, लिखो, बोलो, बांटो। मगर मोहम्मद के लिए ये बात अपनी सीमा के बहुत पार मालूम पड़ी। यही उद्घोषणा बुद्ध के जीवन में, और बुद्ध ने भी इंकार किया कि नहीं बोलूंगा, मगर कारण और थे। मोहम्मद ने इंकार कहा किया इसलिए कि कैसे बोलूं, शब्द नहीं, भाषा का धनी नहीं, तर्क नहीं, कौन मेरी सुनेगा, लिखूं तो कैसे लिखूं, मुझे लिखना भी नहीं आता, पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। ये कारण थे मोहम्मद के। बुद्ध को भी जब सत्य की अभिव्यक्ति हुई तो कथा है, वह कथा तो प्रतीकात्मक है, जैसे ये मोहम्मद की बात प्रतीकात्मक है कि कोई भीतर बोला कि बोल, गा, गुनगुना, ऐसे ही बुद्ध से देवताओं ने अवतरित होकर स्वर्ग से कहा अभिव्यक्ति दो, बांटो, कहो, चुप न रह जाओ। बुद्ध ने भी कारण बताया कि क्यों चुप,
लेकिन कारण बड़े अलग थे। उससे दो व्यक्तित्वों के भेद पता चलता है। बुद्ध ने कहा, बोलूंगा कौन समझेगा, फर्क समझना। मोहम्मद ने कहा, कैसे बोलूं, मेरी समझ क्या। बुद्ध ने कहा, कहूंगा मगर कौन समझेगा। ये बात इतनी गहरी, किससे कहूं। मोहम्मद ने कहा, कैसे कहूं। बुद्ध ने कहा, किससे कहूं। जिससे कहूंगा वही कुछ का कुछ समझेगा, गलत समझेगा। 100 आदमियों से कहूंगा 99 तो समझेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, सुन भी लिया तो गलत समझेंगे, लाभ की बजाय हानि होगी। और 100 में अगर ठीक भी समझा तो उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। देवताओं ने पूछा, क्यों। तो बुद्ध ने कहा, इसलिए कि जो मेरी बात को सुनते ही ठीक समझ लेगा वो मेरे बिना भी जान लेगा। आखिर मैंने भी बिना किसी के कहे जान लिया। जिसकी इतनी प्रतिभा होगी, जिसके पास ऐसी मेधा होगी, क्योंकि ये तो प्रतिभा और ध्यान की ही संभावना होगी कि मैं जो कहूं उसको वैसा ही समझ ले जैसा मैंने कहा है। जिसके पास ऐसा निखार होगा, ऐसी तीक्ष्णता होगी, वो क्या मेरे लिए रुका रहेगा, मेरे बिना भी पहुंच जाएगा। दिन दो दिन की देर हो सकती, लेकिन उस एक के लिए बोल के 99 के जीवन में मैं व्यर्थ का उपद्रव खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें भेद दिखाना चाहता हूं। बुद्ध और मोहम्मद दोनों को एक ही सत्य का अनुभव हुआ है, मगर बुद्ध भली भांति जानते हैं कि मैं बोल सकता हूं लेकिन समझेगा कौन। मोहम्मद ये कहते ही नहीं कि समझेगा कौन। मोहम्मद कहते हैं कि मैं बोल सकूं तो शायद कोई समझ ले, मगर मैं बोलूंगा कैसे। मैं ठहरा अत्यंत ग्रामीण, दीनहीन, न पढ़ा न लिखा, न मेरे कोई संस्कार, न मेरी कोई संस्कृति। बुद्ध को राजी कर लिया देवताओं ने, क्योंकि वे तर्क खोज लाए। बुद्ध के लिए तर्क खोजना पड़ा। वे तर्क खोज लाए, उन्होंने सोच विचार किया, मंत्रणा की, फिर लौटे और उनका आप ठीक कहते हैं कि जो समझ सकता है वो आपके बिना भी समझ लेगा, हम राजी। और जो नहीं समझ सकते उनको आप लाख समझाओ वो नहीं समझेंगे, इससे भी हम राजी। मगर क्या आप मानते हैं कि इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग न होंगे, इन दोनों के मध्य में जो आप समझाओ तो समझ लेंगे और आप न समझाओ तो शायद सदा के लिए भटकते रह जाएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति होगा ही नहीं। क्या हम मनुष्यों को इस तरह दो कोटियों में बिल्कुल बांट सकते हैं कि बीच में कोई भी ना होगा। ये तर्क बुद्ध को स्पष्ट समझ में आया कि जरूर कुछ लोग बीच में हो सकते हैं, 1000 में 1 होगा, मगर कोई तो बीच में होगा ही। श्रृंखला है मनुष्यों की, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो कोटियों में बिल्कुल खंडित कर दी जाए मनुष्यता को। इन दोनों के बीच में भी कोई होगा, मध्य में भी कोई होगा, तभी तो एक कोटि में से कोई दूसरी कोटि में जाता है। बच्चा जवान होगा तभी तो बूढ़ा होता, ऐसा नहीं हो सकता कि जवान हो ही ना, बच्चे हो और बूढ़े हो। बीच की सीढ़ी तो पार करनी ही होगी। वो जो एक आदमी 100 में हो गया है वो कभी 99 का हिस्सा था, पार करके गया है उस सीमा को जो दोनों के बीच में। कभी तो ऐसा रहा होगा जब बीच की सीमा पर रहा होगा, और जरूर बहुत लोग होंगे जो बीच की सीमा पर होंगे, जो अपने से नहीं जाग सकेंगे, जिन्हें कोई जगाने वाला मिल जाए, इशारा देने वाला मिल जाए तो शायद चल पड़े। बुद्ध राजी हो गए, मोहम्मद भी राजी हुए,
लेकिन मोहम्मद को राजी करने का ढंग ये नहीं हो सकता था, मोहम्मद को तर्क नहीं दिए जा सकते थे। भीतर की आवाज कहती गई कि मोहम्मद मैं तुझसे कहता हूं बोल, तू बोल, फिक्र छोड़, जब मैं कहता हूं तो तू बोल, तुझे बोलना ही होगा, कोई तर्क नहीं, सीधा आदेश है। बुद्ध को देवताओं को कुछ कहना पड़ा तो बुद्ध की बुद्धि से ही संबंध जोड़ना पड़ा, एक विकसित बुद्धि है। मोहम्मद के पास हृदय बुद्धि नहीं, हृदय आदेश मानता है, तर्क नहीं, विचार नहीं, तर्क और विचार व्यर्थ चले जाते। और जब आवाज इतने जोर से आई कि तुझे करना ही होगा तो वो कप गए, उन्हें बुखार चढ़ाया, वो भागे घर आए, उन्हें डर लगा कि जरूर मैं पागल हो गया हूं। घर आकर उन्होंने जो बात कही वो बड़ी प्यारी, अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरे ऊपर दुलाइयां उड़ा दे, मुझे बहुत बुखार आ रहा। पत्नी ने कहा अभी अभी आप ठीक ठीक गए थे सुबह सुबह, इतनी जल्दी इतना तीव्रता से बुखार और शरीर उनका जल रहा है, तप्त है और उनकी आंखें ऐसी हैं जैसी उसने कभी नहीं देखी थी, ये बुखार वाली आंखें नहीं। उसने दुलाइयां उड़ा दी, पूछा कि मुझे कहो तो कि हुआ क्या, तो मोहम्मद ने कहा कि दो में से कुछ एक बात हुई है, या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि, और ये दो शब्द बड़े विचारणीय। मोहम्मद ने कहा या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि, साफ नहीं है कि क्या हो गया है। विक्षिप्त हो गया हूं लगता है, भीतर से कुछ आवाज आ रही जो कभी नहीं आई थी, और यह हो सकता है मैं कवि हो गया हूं, क्योंकि सुना है कि कवियों को भीतर से आवाज आती, अंतर्वाणी उठती। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी आंख देख के मैं कह सकती हूं कि कुछ अभूतपूर्व घटा है, तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक कभी न थी और तुम्हारे चेहरे पर ऐसी आभा कभी न थी, तुम घबरा गए हो, बेचैन हो, इसलिए बुखार है, अन्यथा तुम आविष्ट हुए हो, तुम्हारे ऊपर कोई विराट ऊर्जा उतरी, तुम उसे पचा नहीं पा रहे हो, तुम विश्राम करो, सब ठहर जाएगा। इस कारण मोहम्मद की पत्नी ही उनकी पहली शिष्या थी, वही पहली मुसलमान थी, क्योंकि उसने ही पहले संदेश सुना, फिर धीरे धीरे उसने पूछा कि क्या तुम्हारे भीतर हो रहा, मुझे कहो। जो उन्होंने कहा वो सीधा साफ था, लेकिन उसमें गहराइयां भी थी। ये वचन भी सीधे साफ है, यूं ऊपर से देखोगे तो तुम प्रभावित न होगे, लेकिन जरा इनकी गहराइयों में उतरोगे, इन हीरों पर थोड़ी धार रखनी होगी, थोड़े पहलू निखारने होंगे, इन हीरों की थोड़ी सफाई करनी होगी, और तब कुरान में भी वही गरिमा है जो उपनिषदों में, वही सुगंध है जो धम्मपद में। बिस्मिल्लाहिर पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का, अल्लाह का एक नाम है अव्वल, जो सबसे पहले है वही अल्लाह है, और जो सबसे बाद में बच रहेगा वही अल्लाह है। अल्लाह का दूसरा नाम है आखिरी, ये सीधी सादी बात है। पहला नाम अव्वल, जो प्रथम है, सर्वप्रथम है, और दूसरा नाम आखिरी, जो सबसे अंत में, शेष बीच में नाटक है, अभिनय, जैसे मंच पर कोई अभिनेता राम बन के आ जाता है, पर्दे से
पीछे असलियत थी, पर्दे पर राम बन के आ गया है। खेलेगा राम का पार्ट, अभिनय अदा करेगा, धनुष्बाण लेके चलेगा, युद्ध करेगा, और जैसे ही पर्दा गिरेगा फिर वही हो जाएगा जो था, राम नहीं रह जाएगा। पर्दे के पहले और पर्दे के बाद असलियत, पर्दे के उठने और पर्दे के गिरने के बीच नाटक है। परमात्मा ही प्रथम है और परमात्मा ही अंतिम, और जो प्रथम है और जो अंतिम वही सत्य है। बीच में सब मन का खेल है, सब तरंगे हैं विचारों की, अलग अलग अभिनय, कोई स्त्री बना है कोई पुरुष बना है, कोई मस्जिद में बैठा है कोई मंदिर में बैठा है, कोई इस तरह से जी रहा है कोई उस तरह से जी रहा है, कोई संत हो गया है कोई साधु है कोई असाधु, लेकिन ये सब पर्दा उठने और पर्दा गिरने के बीच का खेल है। पर्दे के पीछे न कोई साधु है न कोई असाधु, न कोई संत न कोई असंत, सिर्फ परमात्मा है, वही अव्वल वही आखिरी है। तो पहले पहले उसी का नाम लेता हूं अल्लाह का, और किसका नाम लो, क्योंकि पहले पहले उसी का स्मरण करो जो है। प्रार्थना उसी से शुरू हो सकती, बिस्मिल्लाहिर, पहले पहल नाम लेता हूं अल्लाह का। इस्लाम में परमात्मा के 100 नाम है, 99 व्यक्त और 100वां अव्यक्त। जब तुम इस्लाम की फेहरिस्त देखोगे नामों की, तो ऊपर लिखा होता है अल्लाह के 100 नाम, और जब तुम फेहरिस्त में गिनती करोगे तुम बहुत हैरान होगे, हमेशा 99 नाम होते, 100 नहीं होते, 100वां छोड़ा होता है, वही असली नाम है, उसे कहा ही नहीं जा सकता, मगर कुछ तो कहना होगा, इसलिए अल्लाह कहते हैं। अल्लाह पहला नाम है 99 की श्रृंखला में, और जो आखिरी नाम है, असली नाम है, उसे तो नाम भी नहीं दिया जा सकता, वह तो अनाम है, वह तो शून्य है। बुद्ध की भाषा में वही निर्वाण है, शून्य है, अनत्ता है। उपनिषद उसे ब्रह्म कहते हैं। मगर यह प्यारी बात समझते हो, शून्य भी तुमने कहा, हालांकि कहा शून्य, मगर शून्य भी नाम हो गया। ज्यादा प्यारी बात है इस्लाम की, कहा ही नहीं कुछ, खाली जगह छोड़ दी। इस्लाम में सूफी फकीरों की परंपरा है, उनके पास एक किताब है जिसे वो किताबों की किताब कहते, वो खाली किताब है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं। वो गुरु शिष्य को देता रहा है उस किताब को, परंपरा से वो किताब मिलती रही है, बचाई गई है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है, पुरानी है, कुछ भी लिखा नहीं है, खाली पन्ने, कोरे पन्ने, और वैसा ही कोरा हो जाना है, वैसा ही खाली हो जाना है। जब तुम भी रिक्त हो जाओ, तुम्हारे भीतर भी कोई विचार की लिखावट न रह जाए,
तभी जानना सौमा नाम असली नाम उपलब्ध हुआ। मगर शुरुआत करने के लिए काम चलाओ। 99 नाम है, 99 इसलिए कि तुम्हें जो प्रीति कर लगे। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रीति है, अपना अपना ढंग है। इसलिए एक ही नाम सबको शायद प्यारा भी ना लगे। तो सब तरह की रुचियों के लोगों के लिए 99 नाम है, लेकिन याद सबको दिलाए रखनी है कि तुम्हारा नाम काम चलाऊ है। असली नाम तो बोला नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। असली नाम तो अनुभव में आता है, और वह अनुभव ध्वनि नहीं है, नाद नहीं है, अनाहत है, परम शून्य का संगीत है, मौन संगीत है। इसलिए शास्त्रों को ठीक से पढ़ना हो तो पंक्तियों के बीच में पढ़ना, पंक्तियों में मत पढ़ना। पंक्तियों के बीच में जहां खाली जगह होती वहां शास्त्र है, पंक्तियों में तो शब्द है। शब्दों के बीच में पढ़ना जहां रिक्त स्थान होते, क्योंकि वहीं सत्य है। और यही अवस्था तुम्हारे अंतर की भी है। एक विचार गया, दूसरा विचार आया, दोनों के बीच में थोड़ी जगह होती, उस जगह में ही झांक लो तो ध्यान हो जाए। मगर हम एक शब्द से दूसरे शब्द पर छलांग लगाते रहते, एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाते रहते। हम बीच में वो जो खाली जगह है उसको देखते ही नहीं, उसको हम यूं ही गुजर जाने देते, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। वह हमारा गेस्टाल्ट नहीं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है और मनोविज्ञान ने उसे स्वीकार किया है, क्योंकि किसी दूसरी भाषा में वैसा शब्द नहीं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है देखने का एक खास रवैया। तुमने मनोविज्ञान की किताबों में या कभी कभी बच्चों की किताबों में एक तस्वीर देखी होगी। एक तस्वीर बनी होती है जिसको दो ढंग से देखा जा सकता है। एक ढंग से देखो तो तस्वीर में बूढ़ी स्त्री दिखाई पड़ती, और अगर तुम देखते ही रहो, देखते रहो बूढ़ी स्त्री को, तो तुम चकित होते हो कि थोड़े दिन में बूढ़ी स्त्री तो विदा हो गई और उसकी जगह एक सुंदर युवा स्त्री दिखाई पड़ने लगी। अगर तुम उस युवा स्त्री को देखते रहो देखते रहो, तो थोड़ी देर में वो भी विलीन हो जाएगी, फिर बूढ़ी स्त्री प्रकट हो जाएगी। और मजा ये है कि जब तुम दोनों को भी देख लिया तस्वीर में, तब भी तुम दोनों को साथ साथ ना देख सकोगे, क्योंकि उन दोनों को बनाने वाली जो पंक्तियां हैं, जो लकीरें हैं, वो एक ही है। उन्हीं लकीरों से बूढ़ी बनी है, उन्हीं लकीरों से जवान स्त्री बनी। तो जब जवान स्त्री को देखोगे बूढ़ी नहीं देख पाओगे, अगर बूढ़ी को देखोगे जवान को नहीं देख पाओगे। जानते हो भली भांति कि उन्हीं लकीरों में जवान स्त्री भी छिपी, कई बार देख भी चुके हो, लेकिन जब फिर बूढ़ी स्त्री का गेस्टाल्ट तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम लाख उपाय करो जवान स्त्री दिखाई ना पड़ेगी। और तुम्हें मालूम है, तुमने देखा है, तुम जानते भली भांति की यही कहीं है, मगर तुम कोशिश करो तो नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर तुम बूढ़ी को गौर से देखते रहो तो अचानक गेस्टाल्ट बदलता है। बदलाहट इसलिए होती है कि मन स्थिर नहीं हो सकता, मन अथिर है, भागा हुआ है। तुम अगर बूढ़ी को ही देखते रहोगे वो जल्दी ही बूढ़ी से भागने लगेगा, इधर उधर भागेगा, उसी भाग दौड़ में वो जवान को खोज लेगा। अगर तुम जवान को ही देखते रहोगे उसी भाग दौड़ में वो फिर बूढ़ी को खोज लेगा। वो दोनों ही स्त्रियां उस एक ही तस्वीर में हैं। इस बदलते हुए ढांचे को गेस्टाल्ट कहते हैं। अब तुम जब अपने भीतर जाते हो और विचारों को देखते हो तो तुम्हारा गेस्टाल्ट एक है। एक विचार गया,
कि तुम बीच में जो थोड़ा सा अंतराल आता उसे नहीं देखते, दूसरा विचार आया उसको देखते हो। तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा जब तुम किताब पढ़ते हो कि दो शब्दों के बीच में खाली जगह भी है या दो पंक्तियों के बीच में भी खाली कागज है। तुम तो बस शब्दों से छलांग लगाते चले जाते हो। एक छोटा बच्चा रास्ते के किनारे खड़ा है, उसे रास्ता पार करना है, बड़ी देर से खड़ा है। एक आदमी जो उसे देख रहा है, एक दुकानदार, उसने पूछा कि बेटा बात क्या, तू बहुत देर से यहां खड़ा हुआ है, तुझे उस तरफ जाना है तो मैं पहुंचा दूं। उसने कहा उस तरफ मुझे जाना है लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब खाली स्थान आए तो मैं निकल जाऊं। जब खाली स्थान मेरे सामने से गुजरे तो मैं निकल जाऊं। तुमने इस तरह नहीं सोचा होगा, तुम कार गुजरी, बस गुजरी, ट्रक गुजरा, ये तुम देखते हो। खाली स्थान गुजरता ऐसा तुम नहीं देखते। जब बस नहीं गुजरती तो जो रह जाता है खाली स्थान, तुम उसमें से गुजर जाते हो। मगर उस बच्चे ने कहा कि जब खाली स्थान आया, कभी तो कार आ रही है, कभी ट्रक आ रहा, कभी बस आ रही, खाली स्थान आ ही नहीं रहा, जैसे ही खाली स्थान आएगा मैं निकल जाऊंगा। और बिना खाली स्थान के कैसे निकल सकता हूं? तुम्हारे भीतर विचारों की श्रृंखला में खाली स्थान आ रहे हैं, प्रतिपल आ रहे हैं, मगर उन पर तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारा गेस्टाल्ट बंद गया है। और इसीलिए साक्षी का अद्भुत सूत्र है ध्यान के लिए। तुम सिर्फ साक्षी होकर खड़े हो जाओ किनारे और देखते रहो, देखते रहो आंख गड़ा के विचारों को गुजरते हुए, और तुम चकित होगे। देखते देखते जैसे बूढ़ी स्त्री जवान में बदल जाती, ऐसा ही तुम्हारे भीतर का गेस्टाल्ट बदलेगा। तुम अगर देखते रहो विचारों को साक्षी होकर, तो धीरे से तुमको एक क्षण पता चलेगा कि हर दो विचार के बीच खाली जगह आती, और जैसे ही तुम्हें खाली जगह दिखाई पड़ गई तुम दूसरा काम भी कर सकते हो। एक खाली स्थान से दूसरे खाली स्थान में छलांग, दूसरे से तीसरी खाली स्थान में छलांग, विचारों को छोड़ के छलांग लगने लगती। अभी खाली स्थान को छोड़ के तुम छलांग लगाते हो, फिर विचारों को छोड़ के खाली स्थान में छलांग लगाने लगते हो। वही ध्यान की प्रक्रिया है, खाली स्थानों को जोड़ लेना अपने भीतर ध्यान है। विचार तिरस्कृत हो गया, अनादृत हो गया, तुम विचार के प्रति उदासीन हो गए। ध्यान है खाली अंतरालों को देखने की क्षमता, और जैसे ही ये क्षमता आती पर्दा गिर गया। अब तुम्हें वह दिखाई पड़ने लगेगा जो अव्वल है और आखिरी। पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का, जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। सीधी साधी बात है कि परमात्मा करुणा है। बुद्ध भी इस बात को कहते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने का ढंग बहुत और है। वो एक सुसंस्कृत दार्शनिक का ढंग है। बुद्ध कहते हैं जब ध्यान का कमल खिलता है तब करुणा की सुगंध उड़ती। करुणा अंतिम उपलब्धि है समाधि की, और समाधि की कसौटी भी। जिसके जीवन में करुणा प्रकट हो, समझना कि उसे समाधि मिली। भीतर मिलती है समाधि, बाहर करुणा की गंध उड़ती। भीतर जलता है समाधि का दिया और बाहर करुणा की रोशनी फैलती। यही बात मोहम्मद अपने सीधे साधे ढंग से कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है, वह जो अव्वल है, वो जो पहले है और आखिरी, जिसका कोई नाम नहीं लेकिन फिर भी जिसको नाम देना होगा, नहीं तो हम कैसे उसका स्मरण करें। वो निहायत रहम वाला मेहरबान है, वह महाकरुणा है। और इसमें इस बात की भी उद्घोषणा है
कि भयभीत ना हो अपनी गलतियों से, उसकी करुणा तुम्हारी गलतियों से बहुत बड़ी है। डरो ना अपने पापों से, नाहक के पश्चाताप में मत पड़ो, तुम आदमी हो, भूल चूक स्वाभाविक है, लेकिन भूल चूक को तूल मत दो, तिल का ताड़ना बनाओ। अक्सर तथाकथित धार्मिक व्यक्ति तिल के ताड़ बना लेते, छोटी सी भूल को भी बहुत गुब्बारे की तरह फुलाते चले जाते, छोटी सी भूल को भी बड़ा करके दिखाने लगते, उसमें भी अहंकार है। अगस्तीन की प्रसिद्ध किताब है कन्फेशंस।